क्या चाहती हैं? कब्रिस्तान चाहती है? हमारे लोगों को क्या देना चाहती है? वो कौन सी सियासत कर रही है? किसके एमएम पे कर रही है? ये 1947 नहीं है, ये 1953 नहीं है, ये न 1959 है, आज 2021 है। हम सब ने खुली आंखों से वो कुछ देखा है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो नंगा नाच जहां हमारी बहनों, माओ और नौजवानों के कपड़े उतारे गए, जिस दिन हमारी स्टेटहुड खत्म की गई, वो इस पार्टी की बदौलत हुआ जिन्होंने यहां उस सरकार को लाया जिनके एजेंडा पे 72 साल था कि हम 370 और 35 से हटाएंगे। वो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या उसे लगता है अभी बेवकूफ है जम्मू कश्मीर के लोग? वो किस साजिश का हिस्सा है कि वो आज कहती है स्टेटहुड नहीं चाहिए? क्या वो उन 5 घरों की सियासत पे कर रही है जिन 5 घरों को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार कहते हैं? ये क्या नया नाटक है? क्या ये ए टीम का नाटक है? सबको बी टीम कहती है, खुद ए टीम है ना, तो ये ए टीम का नाटक है फिर? तो ये किसके लिए है? ये कौन नहीं चाहता है स्टेटहुड? उस पार्टी की सरबरा के बिना साहब, क्या वो हमको उजाला ही उजड़ा हुई इस चमन को ही देखना चाहती? शर्म तो कर लो, आप लोगों ने सब उजाड़ दिया हम लोगों का। मैं इसलिए बीच बहरा वालों को कहता हूं, आप तो शायद बदकिस्मत लोग हो, क्योंकि आपके हाथ से वो लीडर निकले हैं जो आज अभी भी खुश नहीं है। हमारा सब उजड़ गया, अभी भी वो क्या ढूंढती है आप? वो उनको इतनी सी छोटी सी खुशी भी नहीं मंजूर है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले कि इनको अपनी रियासत, अपनी पहचान वापस मिले। मोहतरमा, आपको लोगों ने इज्जत दी, आपके बाप को भी इज्जत दी, आपके उन 40 चोर और अली बाबाओं को भी इज्जत दी। आपने तो, आप तो लुटेरों से भी बड़ी लुटेरी थी। आज जब हम सुनते हैं कि आपने लूट खसूट जो किया है, हमें शर्म आती है। क्या हम खड़े थे आपके साथ? ये नई साजिश कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए, चाहिए क्या फिर? मुझे मालूम नहीं, मैं तो हमेशा इज्जत से उनके बारे में बोलता हूं। आज मुझे लगता है कि क्या वो उस इज्जत के लिए भी हकदार थी जो हम सब उनको दे रहे थे? ये तो अभी अमित शाह और मोदी जी भी नहीं बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर वालों को स्टेटहुड वापस नहीं देंगे। ये तो पहला नारा हम सुन रहे हैं। खुदा के लिए बिजबेड़ा वालों, हम सब पे रहम करो। उन लोगों से पूछो आखिर वो चाहती क्या है? वो कौन सा 370 ढूंढ रही है स्टेटहुड के बिना? वो 370 गुपकार वाला तो नहीं ढूंढ रही है जिसमें वो रहती है? बहरहाल बात इसलिए मैंने आपके साथ की कि कल से मैं सो नहीं सका कि ये क्या साजिश है नई। और मेरे भाई परवेज, आपके कुपवाड़ा से आवाज आती है। देखो देती भी आवाज कहां से है, आवाज देती है कुपवाड़ा से। शायद उसे मालूम नहीं, खाली 50 किलोमीटर दूर इन हमारे साथियों बुजुर्गों को देख लेती जो बटे हुए हैं 1947 से, जिनके जिसमें 2 टुकड़े किए गए और इन्हीं जमातों के लीडरों ने किए, जिनका एक हिस्सा वहां, जिनका दूसरा हिस्सा यहां। हमें होशियार तो इन साजिशी अनासरों से रहना पड़ेगा।
मुझे पता नहीं हमारा सच इनके झूठ के मुकाबले में कहां खड़ा रहेगा, लेकिन मुझे एक चीज जरूर मालूम है कि ये नंगे बहुत जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मगरमच्छ के आंसू जो बहा रही हैं, आज नया नारा है, क्यों इनको लगा अपस्टेट उड़ाने वाली है, इसको कैसे रोका जाए। अब इनकी पूरी कुव्वत इसमें है कि स्टेट हुड ना आए। पहले कुव्वत ही क्या रही वहां, हमने तो देखा कल वहां जिनको उन्होंने पालतू बनाया था वो पालतू भी नहीं वहां थे। मैं आप बुजुर्गों से जो इतनी दूर से और उस जगह से इतनी तकलीफों से गुजरते हुए यहां हमारे तक पहुंचे, हमारे लिए दुआ कीजिए। आप देखिए हमें किन किन साजिशों का मुकाबला करना है। ये चाहती हैं कि हमारी नौकरियां जो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए हमें बड़ी मुश्किल से वापस लाई, क्योंकि एक ऑर्डर निकला था कि क्लास फोर्थ ही खाली जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रहेंगी। हम गए, अपनी पार्टी वाले गए, मैं वहीं था, कोविड लगा हुआ था, लेकिन हमने 24 घंटे में ऑर्डर तब्दील करा के सब नौकरियां रिजर्व करवाई। इनको शायद ये खुश नहीं है कि हमने 85% जमीन जो 5 अगस्त को हुआ था कि कोई भी जमीन खरीद सकता था, हमने डोमिसाइल लाया, लॉ लाया, ठीक है 85% ही सेव किया, लेकिन 85 तो सेव किया ना, 0 से तो अच्छा है ना, 15% किया वो ना निकल, शायद ये वो भी नहीं चाहती है। ये नहीं चाहती हैं कि यहां रोजगार मिले हमारे बच्चों को, ये नहीं चाहती हैं कि यहां टूरिज्म वापस आ जाए ताकि हमारे लोगों को, ये नहीं चाहती हैं कि हमारा फ्रूट इंडस्ट्री फूले पले, ये नहीं चाहती हैं कि सड़कें बने, ये नहीं चाहती हैं कि बिजली आपके गांवों में पहुंचे, ये नहीं चाहती है कि यहां स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, मार के तो हमारे अमाल पे है कि हम जन्नती होंगे या क्या होगा, तो हमारे अमाल पे अल्लाह ताला हमें सबको माफ करे और जन्नत में जगह दे दिया, हम सब उसी के लिए जिंदगी बसर सकते। लेकिन दुनिया में तो कम से कम ये सहूलियतें मिले। हम तो लड़ते हैं दिल्ली वालों से इसी बात पे कि जो आप बिहारी को देते हो वही हमें दे दो, जो बंगाली को देते हो वही हमें दे दो, जो असम वाले को देते हो वही हमें दे दो। इनको तो वो भी नहीं खुश है। ये क्या दरअसल चाहती क्या है? एक लीडर वो राम कथा सुनाता है, भाई हम राम कथा सुनने के लिए आपको वोट दिए, तो फिर तो हम यहां शीतलनाथ के मंदिर में जाके राम कथा सुनेंगे, हमें फिर आपको लीडर माना है वोट देने से क्या? हमने वोट दिए, मैं आपको कहता हूं, मैंने अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपील की राम कथा सुनाने के लिए की, क्या आपको एमपी बनाया गया इसलिए कि आप वहां जाकर हमें ये कथा, हमें भाई मसला हमारा है आपके, आप गए आपने साजिश की उनके साथ हटवाया, 27 जुलाई 2019 को आप गए, आपका बेटा आपके साथ था, आपके वो चुने मुने एमपी जो थे उनको साथ आप ले गए, आपने क्या किया? आपने वहां से आके हमें तो आज तक नहीं बोला, हम भी गए उसी वजीर आजम से मिलने के लिए, शरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हमने क्या बात की, शर्माना क्या है? अगर आपने आप पे भरोसा है, अपने ईमान पे भरोसा है तो जाना तो हर एक जगह, बात करनी है, बात करने से ही तो बात बनेगी, चुप रहने से क्या बनेगा, रात के अंधेरों में जाने से क्या बनेगा, रात के अंधेरों में तो चोर जाते, हम तो शरेआम गए, कैमराओं की गूंज में गए, टेलीविजन की चैनलों के ऊपर मुझे लगता है वो 2 दिन हम ही लोग थे खाली, और ये मुझे खुशी है आप लोगों के नुमाइंदे बन के गए, हमने कोई सौदा नहीं किया, हमारी पेशानियों में कोई बेईमानी नहीं थी। आज भी क्या बचाने के लिए राम कथा सुना रहे हो? अपने गैर कानूनी मकान, अपने गैर कानूनी जमीनें, अपनी गैर कानूनी जायदादें, भला इतने बड़े लीडर क्या होगा अगर आपको ये गैर कानूनी चीजें छीनी भी जाएंगी? लोगों के लिए तो कुछ करो ना, अब तो जिंदगी के उस पड़ाव पर हो
जहां खुदा खुदा करो, किसको इंप्रेस कर रहे थे वो उस पार्लियामेंट में बोल के? उनको शायद ये मालूम नहीं है कि उनके दिन अब हो चुके हैं, वो गुनाहों की ठेली इतनी भर गई है कि जब लोग इतने बेजार हो जाएं तब कोई नहीं बचाता है, तब अल्लाह भी नहीं माफ करता, क्योंकि जिसे लोग बेजार हो उसे अल्लाह भी नहीं माफ करता। बहरहाल आप सब लोग आज यहां आए, मैं आपको एक वादा करता हूं कि हमारी पार्टी के साथ मिलके आप में से कोई शर्मिंदा नहीं हो जाएगा।